गाइज, हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि कितना भी मुसीबत आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा, कितना भी खा लो तुम मोटी नहीं होगे, कितना भी तुम कोशिश कर लो मैं नहीं हंसूंगा। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कितना भी, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे। कितना भी, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे नो मैटर हाउ मच, नो मैटर हाउ मच। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा नो मैटर हाउ मच, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, इसके बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख देनी है। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। कितना भी मुसीबत आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा। नो मैटर हाउ मच ट्रबल कम्स आई विल नॉट गिव अप, नो मैटर हाउ मच ट्रबल कम्स आई विल नॉट गिव अप। कितना भी वो मुझे मार ले लेकिन मैं जुबान नहीं खोलूंगा। नो मैटर हाउ मच ही बीट्स मी आई वोंट ओपन माई माउथ, नो मैटर हाउ मच ही बीट्स मी आई वोंट ओपन माई माउथ। कितना भी खा लो तुम मोटी नहीं होगे। नो मैटर हाउ मच यू ईट बट यू वोंट गेट फैट, नो मैटर हाउ मच यू ईट बट यू वोंट गेट फैट। कितना भी तुम कोशिश कर लो मैं नहीं हंसूंगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई बट आई वोंट लाफ, कितना भी तुम कोशिश कर लो मैं नहीं हंसूंगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई बट आई वोंट लाफ।